तो भाई आज हमारे साथ हैं कनिष्का मित्तल। इन्होंने जे एडवांस 2020 में एकदम फोड़ दिया है। गर्ल्स टॉपर हैं ये, गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 है और वैसे ऑल इंडिया रैंक 17 है इनकी। ये यूपी मुरादाबाद से हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में डेडिकेटेडली हम बात करने जा रहे हैं कि भाई मैथ्स इन्होंने कैसे पढ़ी और मैथ्स कैसे पढ़नी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का और जनरल इनकी तैयारी के 3 वीडियोज हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उनमें देख सकते हैं। तो कनिष्का मैथ्स जो है, पहले आगे बताओ आपके मैथ्स में दोनों पेपर मिला के जे एडवांस में कितने मार्क्स आए? मेरे 104 हैं 132 में से। 104 है 132 में से। अच्छा मेंस में कितने आए थे? मेंस का मेरे पास नहीं, मेंस में मेरा 95 या 96 थे 100 में से, जनवरी अटेम्प्ट में। अच्छा सितंबर का मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट किया था उसका। जनवरी में 96 के अराउंड में, तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया या एक क्वेश्चन गलत हो गया? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और बोर्ड में तो आपके फुल थे मैथ्स में से, क्या बात है। तो अब ये बताओ जे एडवांस की जो मैथमेटिक्स है, पहले ये बताओ कि सारे टॉपिक एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग थे क्या? धड़ोड़ एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग? नहीं सर, नहीं सर। तो वो तो कुछ टॉपिक्स रहते हैं ये एंड तक आते रहते, वो ऐसे ही फिजिक्स रोटेशन टाइप के सवाल ऐसे भी होती है, एओडी का भी कर कम ही रहे। तो जैसे वीक टॉपिक मैथ्स में कौन कौन से थे आपके? अरे तो इंटीग्रेशन है, वो भी सबका ऐसा ही है वीक ही रहना। मेरा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी काफी वीक साइड पे था, वो कभी सवाल नहीं बनते थे। और उसके अलावा कैलकुलस का ऐसा है कि प्रैक्टिस जितनी करो कम ही लगती है, तो 20 तो नहीं बोलना चाहिए उसको, पर ठीक है। तो ये एक्चुअली जो जैसे फिजिक्स में रोटेशन होता है ना, ये मैथ्स में एसओटी जो है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये बिल्कुल वैसा ही एकदम प्राण खाऊ जो टॉपिक होता है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। तो इनके सवाल जो आपको वीक टॉपिक जो लगते थे, क्या इनके सवाल जे एडवांस में हो गए थे क्या? हाँ सर, एडवांस तो एडवांस में हो गए थे इसके। देखो जनरली मतलब क्या है, बच्चों को जनरली लगता है कि वीक टॉपिक है, उसका हमसे कोई भी सवाल नहीं होगा। तो क्या को हो जाता है कि सवाल देखकर छोड़ दिया, कम से कम पढ़ के ट्राई तो करनी चाहिए। तो इसमें क्या एटीट्यूड रखा था कनिष्का आपका, कि यार जो मेरा वीक टॉपिक है उसका सवाल देखते ही छोड़ देती थी कि ट्राई करती थी? सर वो एक बार सवाल पढ़ लिया ना तो लग जाता है कि करना है या नहीं, तो पेन उठाऊं, तो ट्राई करके बन गया था वो एडवांस का तो सवाल एटलीस्ट बन गया था वो। जो भी हाँ और ग्रेजुअली देखिए, जब आपने एसओटी जब 11th में स्टार्ट करा था, तब तो एकदम एक भयानक वीक होगा, क्योंकि भाई जब अभी तक मुझे लग रहा है कि वीक था। तो क्या ओवर द टाइम, मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार ओवर द टाइम अगर वीक टॉपिक को हम करें तो क्या वो स्ट्रांग बनाया जा सकता है क्या? ओवर द टाइम करेंगे तो वो या तो स्ट्रांग बन जाएगा, स्ट्रांग ना भी बनेगा तो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि मैं कम से कम क्वेश्चन करना तो शुरू कर दूंगी। क्या बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली, कि या तो स्ट्रांग बन जाएगा या हिम्मत तो आ जाएगी कि क्वेश्चन देख के भागे तो नहीं कम से कम एक बार को। तो कुछ ऐसे टॉपिक रहे हैं क्या जो आपने पहली बार पढ़े थे मैथ्स में, बात करें पर्टिकुलरली, क्या जो पहली बार पढ़े वो उस टाइम पर वीक रहे लेकिन बाद में वो स्ट्रांग की कैटेगरी में आ गए? हाँ सर, ये बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक होते हैं, स्टार्टिंग में वीक ही रहते हैं, तो ये टॉपिक तो बाद तक आते थे काफी स्ट्रांग। काफी स्ट्रांग हो गए थे। तो मैथ्स में आपकी क्या अप्रोच होती थी, मतलब जैसे नोट्स से बात करते हैं तो मैथ्स के नोट्स आपने क्या शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे या फॉर्मूला याद करने के लिए कैसे करते थे आप? सर मैथ्स में तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तो ऐसा कोई नीड नहीं लगता मेरे को, पर मैथ्स में तो एक बार तो नोट्स अच्छे से पढ़ लो, जो आपको जैसे क्लास में भी एग्जाम्पल वगैरह लिए जाते हैं उनको फ्रेश क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट करें आप जब भी करें नोट्स, उसके अलावा तो प्रैक्टिस ही जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है। तो आपने इसके नोट्स में मार्किंग कर रखी थी क्या? हाँ सर, वो मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ जो अपने या तो सोचे आपने वो लिखे हुए हो या अंडरलाइन वगैरह तो करना ही होता है। तो एक चीज बताइए, जो मैथ्स के नोट्स में मार्किंग हुई, अगर हम इस मार्किंग मार्किंग्स को ही पढ़े सिंपली, तो कितने दिन में, अगर पूरे टाइम या कितने घंटे में आप मैथ्स पूरी रिवाइज कर लेंगी जे एडवांस की, मतलब जेई की पूरी मैथ्स, सिर्फ अगर हम हाईलाइट हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़े तो? सर मेरे ख्याल से ऐसे पूरी मैथ्स एक साथ करेंगे तो थोड़ा दिमाग कचरा हो जाएगा, एक दिन तो मैथ्स पढ़ने की एडवाइस ही दूंगी, पर बहुत टाइम लिमिट हो जाएगा क्योंकि आप पूरे नोट पढ़ने बैठेंगे तो समझ जाएगी, 2 हफ्ते 2-3 हफ्ते तो मेरी मम्मा की है, उस हिसाब से तो टाइम बहुत कम होना है। नहीं पॉइंट मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, एक साथ नहीं, कि अगर हम मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है मार्किंग के कारण से, कि अगर एक तो हमारे नोट्स में मार्किंग ही नहीं है और एक ही हमारे नोट्स में मार्किंग है, तो वो कितना टाइम्स टाइम रिड्यूस हो जाता है रिविजन में? कम से कम 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाता है, बस मेरे को ये पूछना था कि यार वन, देखो बच्चों 1/10 हो जाता है टाइम, और ऑब्वियसली मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ तो नहीं पढ़ सकते एक स्ट्रेच में, डेफिनेटली कुछ बच्चे हो सकता है पढ़ भी सकते हो पर है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यार देखो 1/10 हो गया टाइम, मतलब आप
मार्किंग्स का ये फायदा होता है कि भाई हम 10 गुना तेजी से रिवीजन कर सकते हैं, और जहां आपका एक बार रिवीजन हो रहा था वहां 10 बार रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच कनिष्का, आपने टाइम निकाला और बच्चों के साथ जो अपनी जर्नी है वो शेयर करी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को इससे। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, और मैं 2021 और आने वाले सारे एस्पिरेंट्स को भी ऑल द बेस्ट बोलती हूं। अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बच्चों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे। मचाते रहो।